फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो यूपी टीजीडी से रिलेटेड है। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि लोग यूपी टीजीडी के एग्ज़ाम को रद्द होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरह से सोशल मीडिया पे जैसा भी उनसे बन पा रहा है वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर जो है रद्द हो जाना चाहिए, और उनकी बहुत सारी मांगें हैं जो उनको पूरी होनी चाहिए। छात्रों को बहुत ज़्यादा अनियमितता देखने को मिली, जिससे छात्र बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ गए और उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, हर तरह से आंदोलन किया। और जैसा कि आपको कल पता ही होगा कि पानी की टंकी के ऊपर खड़े होकर भी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर आंदोलन किया, रात देर रात तक किया, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको तस्वीरें तक भी दिखाई थी। इवन अगर आपने ट्विटर पर भी देखा होगा तो ट्विटर में भी लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश होकर अपनी चीज़ों को ट्वीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं इस यूपी टीजीडी को एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं लोग। और अब ये जो मामला है वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया या आंदोलन के थ्रू ही तक नहीं रहने वाला, अब ये मामला जो है कोर्ट में भी दर्ज होने वाला है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये मामला अब रद्द होने वाला जो है कोर्ट तक भी पहुंचने वाला है, जहां स्टूडेंट्स अपने लिए बताएंगे और अपनी बातें रखेंगे, वो चाहे वो भर्ती से लेकर के हो या फिर वो पेपर लीक होने से लेकर तक हो। क्योंकि जो छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बता रहे हैं तो उनका यही कहना है कि अब ये मामला यहाँ तक नहीं, अब वो लोग ये मामला जो है कोर्ट तक घसीटते हुए लेकर जाएंगे, उनका ऐसा कहना है। और हालांकि आपको पता ही होगा, हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी छात्र लोग जो है इन चीज़ में विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनके थ्रू कहने, यहाँ तक कि डीएम ने भी ये बात कही कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी छात्र इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है और इन लोगों की बात भी नहीं मानने को तैयार। इसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगर ये कोर्ट तक ले जाया जाएगा तो इसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अब छात्रों के मन में यही सवाल है कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, भर्ती कब तक होगी, और अगर रद्द हुआ तो दोबारा पेपर कब होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये छात्रों के मन में आ रहे हैं, और यही सबका मैं आंसर देने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ये चीज़ शेयर करिए अपने सभी स्टूडेंट्स को ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो, आप वो भी इस चीज़ का क्या करना सही है क्या नहीं सही है वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यही चीज़ बहुत बड़ी बात होगी जब आपको कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या होगा, क्या ये कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा, कैसा क्या होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सपोर्ट करा और सब्सक्राइब करा तो ही आपको पता चल पाएगा, सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचेगी। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हालाँकि स्टूडेंट्स ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो है पेपर रद्द होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यही कह रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए। बाकी आपकी जो राय है आप कॉमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए।